guys, Pratiksha Sawant over here. And hello guys, this is Sambada Nerulkar over here. And welcome to the world of She Dreams. So yes guys, जल्दी से इंट्रो देख लीजिए फिर आके हम बात करते हैं. वीडियो टाइटल देखे तो आपको पता ही चल गया होगा, आज का वीडियो इज ऑल अबाउट पैनकेक्स, अ क्यूट पैनकेक्स व्लॉग. गाइस, ये वीडियो करने का ऐसा कुछ मतलब ऐसा फिक्स डिसीजन नहीं था कि हम आज पैनकेक्स का वीडियो करने वाले हैं. इट वाज अ वेरी क्यूट रैंडम डिसीजन दैट वी टुक अबाउट पैनकेक्स. बट द थिंग इज गाइज, हमने सोचा कि हम लोग को पैनकेक के ऊपर एक क्यूट सा वीडियो बनाना चाहिए. क्यों पता है? क्योंकि बारिश का मौसम है एंड वी वर लाइक क्रेविंग, और हम लोग को वेफल्स एंड पेस्ट्रीज बहुत पसंद है एंड पैनकेक्स. तो हमने सोचा कि क्यों ना घर पे किया जाए और आपको एक क्यूट सा ग्लिम्स व्लॉग क्यूट सा बनाया जाए. ये वीडियो बनाने का ये रीजन है कि यू नो लास्ट मंथ जब प्राज का बर्थडे था, तो उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम गाइज आई ट्राइड मेकिंग पैनकेक्स विदाउट द पैनकेक मिक्स. सो ऑलरेडी यू नो देर वर मेनी लॉट ऑफ पीपल हु मैसेज मी एंड ऑल्सो प्रतीक्षा कि वो पैनकेक्स कैसे बनाया था. टेको भी आया था ना, आई गेस. या तो वैसे मतलब उन्होंने मैसेज किया था कि कैसे बनाया है करके. सो बहुत सॉरी फॉर कटिंग यू, बट द थिंग इज सब लोगों को लग रहा था कि वो पैनकेक्स मिक्स से बनाया है, बट इट इज नॉट ट्रू गाइज. मैंने बर्थडे व्लॉग में भी बोला था, शायद संपदा ने बोला था कि वो उसने खुद ने होममेड बनाया था, उसने पैनकेक्स मिक्स. क्योंकि पैनकेक मिक्स क्या होता है, बस रेडीमेड होता है, सीधा ये करो एंड बना दो. बट इसने खुद से घर पे रेसिपी देख के ट्राई किया एंड मुझे भी खास इससे सीखना है कि इसने कैसे बनाया है. तो मैंने इसको बोला चले क्यूट सा व्लॉग बनाते हैं. वैसे भी बारिश का मौसम है, खाने का मन कर रहा था कुछ मीठा, तो हम लोग ने सोचा चलो एक पैनकेक्स का रेसिपी का एक व्लॉग भी हो जाएगा, आपको भी रेसिपी पता चलेगी और मैं भी सीख जाऊंगी. मुझे सिखाएगी ना? एग्जैक्टली, तो ये सिखाऊंगी मतलब नेक्स्ट टाइम. तो मुझे तेरे हाथ के बना के खिला तेरे बर्थडे पे. जस्ट अ डिस्क्लेमर, शॉर्ट डिस्क्लेमर, अगर अभी आप ये सोच रहे हो कि वो बहुत हार्ड है, तो गाइज इट्स नॉट रियली हार्ड, इट्स रियली इजी एंड वो फट से बनने वाली चीज है जो आप क्रेव करोगे इन मॉनसून. और हम वेज बनाने वाले. यस, इट्स एगलेस टू नोट. या क्योंकि हम लोग ने सोचा आज विदाउट एगलेस ट्राई करते हैं, विदाउट एग ट्राई करते हैं. सॉरी गाइज, इट्स ऑलराइट. सो यस, ऑल्सो गाइज, I am wearing a spaghetti and a white jacket जो काजल का है. Love you काजू. And उसके लिए and with the white case of phone. Yeah, and time आपको बताऊंगी तो अब शर्म आपको गुस्सा आ जाएगा, तो रहने दो, मैं टाइम ही बता रही. बारिश का दिन है गाइज, सॉरी. तू बता, तू क्या पहन रही है? सो गाइज, आई एम वेयरिंग दिस येलो जैकेट एंड ऑब्वियसली आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस जैकेट बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल पर्सनली दिस ऑफ माई बेबी गर्ल टू. और हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स गाइज, हम लोग ऑब्वियसली पता है हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम एक्सचेंज करके कपड़े पहनते, तो मुझे इसमें काजल का स्मेल आ रहा है. एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस जैकेट. मैंने उसको पहले ही बोल दिया था, अगर तू जैकेट पहन रही है बेब, तो मैं भी तेरे ये जैकेट पहन रही हूँ, बिकॉज मुझे इससे बहुत अलग ही ऑब्सेशन है. एंड गाइज, हम लोग ने सोचा वैसे ही बारिश का है तो मतलब थोड़ा सा क्यूट सा दिखने के लिए हमने सोचा हम जैकेट पहन लेते, इसके लिए हमने जैकेट पहना. एंड गाइज, आगे का क्लिप सॉरी टू से बट किचन में होने वाला है, जहाँ पे बहुत, आज वैसे भी बहुत ठंडी लग रही है, तो देखते हैं किचन में. बट फिर भी किचन में तो थोड़ा गर्म होता ही है, तो लेट्स सी अभी आगे का क्लिप. आपको जो भी एक क्लिप मिलेगा किचन में. चलो, सो आई होप यू गॉट इट. बाय भैया. सो गाइस, अब हम किचन में आ चुके हैं एंड हम अब आपको पहले दिखाते हैं कि पैनकेक्स बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा. तो शेफ मैडम बताइए. यस, सो गाइस एंड यू फर्स्टली, सो सबसे पहले हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फॉर द पैनकेक्स इज दिस मैदा. ओके, मैदा. मैदा क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैदा ही बोलते हैं. मैदा ही बोलते हैं. फ्लोर, लाइक फ्लोर, नॉर्मल फ्लोर. तो ये लगता है एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड ऑब्वियसली अगर आपके पास घर पे मैदा नहीं है, सो और भी फ्लोर आते हैं, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल,
आटा रहता है, नाचने रहती है, उसके भी फ्लॉर्स होते हैं, वो भी चलेगा, इट्स ऑल राइट. नहीं, हमारे पास है मैदा. जस्ट एक बोलते ना सेफर साइड ऑप्शन. सेकेंडली आपको अगर पता है तो प्रोसेस्ड शुगर, पिटी शक्कर बोलते हैं मराठी में, पिटी शक्कर मराठी में बोलते हैं क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, पिटी शक्कर. हाँ, दोनों में बराबर. तो गाइस ये पिटी शक्कर है, मतलब जो शक्कर को मिक्सर में ये करते हैं, हाँ, ग्राइंड कर, जो ग्राइंड करके, और कहीं कहीं रेडीमेड भी पिटी शक्कर आती है. यस, प्रोसेस्ड शुगर. आप नॉर्मल शक्कर भी डाल सकते हो, बट उसको डिजोल्व होने बहुत टाइम लगता है इन द बैटर. उसके बाद आपको लगेगा मिल्क, मिल्क मिल्क बताने की जरूरत नहीं, मिल्क सबको पता है क्या होता है. उसके बाद आपको लगेगा ये बैटर बनाने के लिए घी. yes. उसके बाद मैं बताऊं, yes. उसके बाद हनी, हनी आपको पता है पैनकेक लगता है सजाने के लिए लगता है. ऑल्सो एन ऑप्शन मेपल सिरप, मेपल सिरप या अलाउ इट. उसके बाद आपको लगेगा अमूल का बटर, पेस्टराइज्ड टेस्ट. उसके बाद क्यूट सा किटकैट सजाने के लिए, गार्निशिंग एंड सजाने के लिए, और ये क्या लगेगा, और अच्छा और क्या है, हर्षी सिरप. हमने गाइस हर्षी सिरप का पैकेट लेके, हर्षी सिरप का पैकेट लेके, क्योंकि हम क्यों बोले वेस्ट क्यों करना है, तो हमने हर्षी सिरप का पैकेट लिया. हर्षी सिरप से खाते भी नहीं है ना, ज्यादा टेस्ट नहीं लगता है. एग्जैक्ट. तो आई होप आपको, अगर कोई कोई अगर पैनकेक्स अच्छी बनाना चाहता है हमारा वीडियो देख के, तो बुक और पेन लेके बैठो. हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आई थिंक, तो लिख लो है ना, लिख लो. yes. बोलते ना, और इसके बाद हम आपको बनाते हुए भी दिखाएंगे. तो चलो मिलते हैं, भैया. सो गाइस यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी आ रही है, इसके लिए मैं अपना चेहरा दिखाना चाहती हूँ, आप भी दिखाइए, आ जाइए. तो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहली बात, मैं आपको ऐसे मतलब मैं खुद भी सीख रही हूँ और आपको भी ऐसे बताऊंगी सैम क्या क्या करने वाली है. तो सैम पहले तो क्या करने वाली है, सबसे पहले गाइज आई हैव टेकन दिस बोल एंड आल्सो दिस क्या बोलते हैं इसको, चम्मच बिग चम्मच मिक्स करने के लिए, बिग चम्मच, बिग स्पून. आल्सो आई हैव माय मैदा ओवर हियर विद मी, मैदा. एंड आपको इसकी बहुत जरूरत होगी बिकॉज आप हाथ से नहीं कर सकते, इट्स वेरी अनक्लीन व्हेन यू डू इट विथ योर हैंड. टीचर का सब सुनिए. यस, सो आई विल जस्ट ऐड दिस मैदा होल इनटू द बॉल. ओके, जितना आपको चाहिए गाइस, क्वांटिटी आपको पता चलनी चाहिए कि आपको दो पैनकेक्स बनाने या तीन या चार व्हाटएवर. सो आपको उसी क्वांटिटी पता चलनी चाहिए कि कितना आपको एग्जैक्टली बनाना है. सो वी वॉन्ट टू मेक टू पैनकेक्स क्यूटली. So, guys, Sampada is very good chef because मैंने खुद ने उसके हाथ का रोज खाना खाती हूँ, तो she's a good chef. I love you. So yes, secondly हम इसमें अभी add up करेंगे is some sort of water. Water, पानी. Yes. To make the batter and इसमें हम डालेंगे milk. रुक, ऐसे milk बताओ उनको ऊपर, उन्होंने तभी भी milk नहीं दिखाया. Yes. Milk. Okay. सो हमने ये दो चीज डाल दी है एंड अब इसको मिक्स करने से पहले विल जस्ट ऐड अप सम पिटी शक्कर. पिटी शक्कर बताइए इधर ऊपर. एग्जैक्टली, दिस पिटी शक्कर. सो आई एम गोइंग टू ऐड दिस विद दिस बिकॉज़ बाकी सब वेस्ट हो चुका है. ओके, सो गाइस ये ऐड करके मिक्स करके आपको मिलते हैं बराबर पूरा बैटर बना के. Yes guys, बैटर बन चुका है. तो अब हम कर रहे हैं पैनकेक्स मिक्स स्टार्ट. पैनकेक्स बनाना चालू एंड गैस हो गया है चालू, दिख रहा है क्या. एंड तवा हमने यहाँ ले लिया है. या सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू एग्जैक्टली इज कि हम इसे अच्छे से गर्म होने देंगे तवे को, बिकॉज हम ना इसमें कुछ ऐड नहीं करने वाले, वी आर नॉट गोइंग टू ऐड एनीथिंग. ओके, सो इसको गर्म होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना वो चिपक जाएगा. एज यू गाइज नो द स्ट्रगल्स ऑफ पैन्स. या तो पैन हो रहा है गर्म. यस, मतलब ऐसा कुछ है क्या सम्पदा जरूरी कि मतलब पैनकेक्स ऐसे डोसे के पैन पे बनाना जरूरी है, कोई भी पैन में बना सकते हैं? नहीं, हम कोई भी पैन में बना सकते हैं गाइस, बट द ओनली थिंग इज कि उसका कोटिंग अच्छा होना अच्छा चाहिए, वरना आपका पैनकेक्स लिटरली डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरा और वो चिपक जाएगा तवे से. सो इट्स बेटर कि आप कोई अच्छा तवा मतलब लो जिसकी कोटिंग अच्छी हो. पुराना तवा इज द बेस्ट, बस उसकी कोटिंग अच्छी होनी चाहिए. दैट्स इट. इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए ध्यान से, आपको बनाने में काम आएगा. एंड ऑल्सो गाइज इट्स मॉनसून, ट्राई समथिंग न्यू. यू नो गाइज पैनकेक्स गर्म होते हैं एंड गर्म होने के बाद वो सॉसी एंड यू नो ऐसे भी होते हैं, मीठे होते हैं, टेस्टी एंड मीठे होते हैं. मीठा, यस, अ हॉट स्वीट डिश. हॉट स्वीट डिश, ओके, एग्जैक्टली.
So you my guys best friend is so smart. Thank you. I'm so lucky. Yo. So okay, अभी ये गरम हो रहा है. Okay, होने दो. हमें भी गरम हो रहा है. Yes. And now we'll just try our first pancake over this. Okay, I'm so excited. तो camera back कर दूँ. Yes. Okay, so let's do it. Yeah. Just also, don't be conscious. It's our YouTube family only. Okay, so guys, I told you कि हम इसमें कुछ add up नहीं करना चाहते अगर. So we are going to add this butter over it. I know, guys, I said you कि मैं इसमें कुछ add नहीं करने वाली. But also we like butter a lot. So we are just adding butter over this. उसका टेस्ट गाइस बटर एंड घी का टेस्ट दुनिया से अलग होता है. सो या नाउ आई जस्ट ऐड अप वन पैन. इनको भी बता दो बैटर. ये देखो दिस इज द बैटर. एक बार ऐसे उसके अंदर चम्मच डाल के ऐसे बता दे. एंड उसका कंसिस्टेंसी गाइस ऐसी होनी चाहिए. ऐसे वो तो ऐसी कंसिस्टेंसी पेस्ट जैसी होनी चाहिए. पूरी पेस्ट से भी पतली. ओके या सो नाउ ऑल आर वी गोइंग टू डू इज व्हाट ऑन दिस बटर वी जस्ट ऐड अप the pancake. मैंने बोला संपदा को एक सर्कल और एक हार्ट. यस सो विल जस्ट मेक अ सर्कल फर्स्ट. ओके वाओ या यम 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 यम. सो विल जस्ट वेट फॉर सम 2 to 3 minutes और फिर इसके होने के बाद आई विल जस्ट शो यू हाउ इट टर्न्स आउट. ओके कूल. So guys, our first pancake is almost ready. हमने इसको अलती पलती कर दिया है. Oh my god, it's hat shape. I'm just completing it, guys, because अभी तक पूरा बना नहीं है. बनने थोड़ा सा उसको शेप की जरूरत है. Yes, exactly. Now it's on the peak and here you go, the very last. So guys, आप देख रहे हो पूरा पसीना पसीना हो गया. But the thing is, काम जा रही है एंड ज्यादा से ज्यादा मतलब पूरा कंप्लीट हो गया. बस थोड़ा सजाने का बाकी है. काम जा रही है. हार्ट शेप वाला पूरा ये हो गया और हमारा काम भारी है. काम जा रही है और हमारा काम भारी है. गाइस सो द हार्ट शेप इज ऑन द वे. बन रहा है, बस अच्छे से पक रहा है. आपको मिलते हैं सब करके. देख लीजिए हमारा पैनकेक्स रेडी है एंड वहाँ पे और बन रहे हैं क्यूट से. एंड चलो सो लेट्स रेडी जस्ट मेक इट ब्यूटीफुल. ऑब्वियस सी बात है. ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो यस गाइस, आपने लास्ट ग्लिम्स तो देखा ही होगा. लास्ट ग्लिम्स से आपको पता चल गया होगा कि पैनकेक्स आर रेडी. एंड आपने देखा हम लोग ने लिटरली कितने मिनट्स में बनाया. 15 यस गाइस, हमने लिटरली 15 मिनट्स में बस पूरा पैनकेक्स बना दिया. तो आप देख सकते हो कि कितना फटफट है. तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको कॉन्ग्रेट्स, आपने बहुत अच्छा काम किया. थैंक यू. यस एंड गाइस, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको लिटरली ट्राई करना चाहिए. कि मतलब आप भी देख सकते हो कि बाहर वो पैनकेक्स मिक्स का वो बॉक्स लेने से अच्छा आप घर में इतना बोलते हैं ना फ्रेश बना सकते हो. यस गाइस, ऑल्सो जो पैनकेक मिक्स है वो बैटर भी सेम होता है. लाइक उसका जो पाउडर उसमें बस में रहता हाँ. है वो सेम होता है. ये भी सेम ही चीज है. आपने so, इतना एक्सपेंसिव लेने से बेटर समथिंग विल डू अफोर्डेबल रीजनेबल एंड उसके साथ एक पैनकेक का फील भी आ जाएगा. एंड गाइस, बारिश में आपको ये ट्राई करना ही चाहिए. मतलब इतना टेस्टी, मतलब वेफल खाने से जैसे फील जैसे आ रहा है. आप देख सकते हो लाइक सो एक्साइटेड. गाइस, हमने लिटरली सब लोग को पूरा नीचे फैमिली, जो संपदा की फैमिली है, उनको भी उनके लिए बना के टेस्ट कराया एंड दे लव्ड इट. एंड अभी हम टेस्ट करने जा रहे हैं. सो आप भी आइए हमारे साथ. सो लेट्स टेस्ट इट. लेट्स टेस्ट इट. ये गाइस, आई थिंक इसके लिए चाकू चाहिए. चाकू वैसे तो हम हाथ से ही खा के उसका टेस्ट आएगा. बिलीव इट. लेट्स बी. ओके सो दिस इज द फर्स्ट आल्सो फॉर शी नीड्स. चीयर्स. It's best. और guys, ये गरम गरम खाने में ही मजा है. जब जब रेडी होता है तब सॉस डाल के. गाइस दिस इज यम. यू कैन ईट दिस
एंड ऑल्सो गाइज यू शुडंट बी मिसिंग इट एंड गाइज यू शुड ऑल्सो ट्राई दिस एट योर होम एंड यू शुड मेक इट फॉर योर लव्ड वंस. अगर कुछ स्पेशल ओकेजन है तो आप लोग एक क्यूट सा सरप्राइज या आपका क्यूट सा जेस्चर दिखाने के हिसाब से भी आप बना सकते हो. यस एंड सामने वाला इंसान गारंटी खुश होगा. सेकेंडली फ्रेंड्स इट्स रियली इजी टू मेक. इट्स नो हार्ड वर्क. ओनली द थिंग इज कि आपको मैंने खुद ने भी सीख लिया पता चलनी चाहिए. दैट्स इट. मेन चीज बैटर का कंसिस्टेंसी है. बाकी आप पूरा बना दोगे. इट्स वेरी इजी. हाँ सो डोंट बी एंग्शियस टू मेक इट. ओके और जिनको एग पसंद है अपने पैनकेक्स में वो लोग एग भी डाल सकते हो. उतना वही सेम रहता है ना. एग्जैक्टली. यू कैन एड यू नो एग व्हाइट और एल्स एग का जो येलो पार्ट होता है ना वो दोनों में से एक चीज ऐड कर सकते हो. पूरा पूरा एग डालेंगे तो इट विल गेट अ बिट डिफरेंट इन टेस्ट. गाइस इट्स यम. ऑल्सो फॉर द एग ईटर्स आप लोग एग व्हाइट का क्रीम भी बना सकते हैं. एंड ऑल्सो यू कैन जस्ट गार्निश इट विद द एग व्हाइट क्रीम. उससे भी टेस्ट अच्छा आता है. तो गाइज हम वरना पूरा खाते खाते ही बात करेंगे. उससे अच्छा आउटरो में मिलते हैं. सो ये गाइज हम लिटरली हम इतना वो गरम गरम था और इतना टेस्टी लग रहा था. हमने पूरा हाफ ऑफ द प्लेट फिनिश कर दिया. बस अभी थोड़ा सा बाकी. हमने सोचा पहले आपको आउटरो दे देते हैं वरना आप वेट कर रहे होगे. इसके लिए मैंने सोचा पहले आपको आउटरो दे देते हैं. यस गाइस एंड फिर बाद में खाते हैं. Yes. बहुत टेस्टी बना था. और एक बार बोलूँ प्लीज ट्राई कीजिए. एंड अगर जिसने ट्राई किया प्लीज हमें पर्सनली मैसेज करके बोलिए कि हमने ट्राई किया है. एंड अगर यस वी विल बी द हैप्पीएस्ट. एंड ऑल्सो गाइज सेकेंडली लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई होप यू हैव एंजॉयड वॉचिंग दिस स्मॉल क्यूट सा पैनकेक व्लॉग. क्योंकि हमने छोटा सा ही व्लॉग बनाया. हमने मतलब और क्या ऐड करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बताए पैनकेक का रेसिपी भी कितना क्यूट सा छोटा सा है. सो यस हमने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा एंटरटेन कीजिए. ऑल्सो वी जस्ट होप कि आपको ये देख देखते भी उतना ही मजा आ रहा होगा जितना इतना आप खाते खाते बाद में बना के मजे लोगे. सो वी जस्ट होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो बहुत पसंद आएगा. और अगर आपको पसंद आया है होगा अगर आपको नहीं आता है और अगर आपको सच्ची पसंद आया तो आपको क्या करना है गाइस आपको तो बताया. शी ड्रीम्स का रिचुअल लाइक हमने बोला है कि बहुत अलग अलग कंटेंट आने वाला है तो आपको नोटिफिकेशन का बेल भी बचा के रखना है क्योंकि हमारा कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं करना. यस टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम अस क्लिक द बेल आइकन. लव 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 लव. बाय भैया. बाय बाय बाय.